दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो लगाइए ये चार पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इसके साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, और गलती से भी ये पौधे आपके घर में उग आए हैं तो इन्हें उखाड़कर आज ही अपने घर से बाहर कर दें। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों वनस्पति, शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियां समाई होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे, उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। जो शिवलिंगी का पौधा होता है, इसका मिलना दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, क्योंकि ढूंढने पर भगवान भी मिल ही जाते हैं। तो जो शिवलिंगी का पौधा होता है, आप इसे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा इस प्रकार से होता है, भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथ में अपने ही स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है, वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम कहा जाता है। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस घर के भी आंगन में लगा होता है, या फिर उस घर के आसपास लगा होता है, तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा ले तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियां उन्हें दूर करना ही पड़ती हैं। एवं जो भी आप पर दोष लगते हैं, जिस घर पर भी भगवान शिव की कृपा होती है, उस पर उनकी कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है, इससे कोई भी नहीं बच सकता, भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है, जितने भी देवी देवता हैं, वे सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण आकर माता लक्ष्मी जिस स्थान पर होती है, वहाँ पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती है, और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों आपको बता दूं, कनेर का पौधा 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है, अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसका एक आग का फूल किसी भी देवी देवता को अगर चढ़ा देता है, तो उसे मिल जाता है। और दोस्तों जो 1000 आग के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है, वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों कनेर से सोना निर्माण भी प्राचीन समय में होता था, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों भगवान गणेश जी को इसकी माला बनाकर कोई भी अगर कनेर की माला पहना दे, तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त देवी शक्तियाँ समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से
गणेश जी घर से स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींची चली आती है, आकर्षित होती है। चुंबक की तरह सोना चांदी, रुतबा पैसा, धन दौलत, सुख संपत्ति को आना ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं पे भी आसानी से मिल सकता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इस पौधे को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। ये तो थे वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में जरूर होने चाहिए। आइए आप जानते हैं उन पौधों के बारे में जो आपको घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, वरना इससे घर में नकारात्मकता पनपने लगती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने की सख्त मनाही है। नंबर एक, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन दोस्तों वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। नंबर दो, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर तीन, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिससे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होने लगती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद ही आप इसे अपने घर से हटाएं। नंबर चार, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूध जैसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ऐसे पौधों को घर में लगाने से घर में रोग और दोष लगते हैं और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जिन पौधों की टहनियों में कांटे हों उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए, ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर गमले में लगाइए तो ज्यादा शुभ फल मिलते हैं। नंबर पाँच, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता भी आती है। नंबर छह, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहां पर भी होता है वहां रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर सात, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे घर पर लगा लेते हैं। वास्तु शास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे को बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। नंबर आठ, कुछ लोगों के घर पर बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग इसे लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ नहीं होना चाहिए, इससे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में भी कांटे लगे होते हैं, इसी कारण से बेल नकारात्मक प्रभाव देता है और ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आती है, तो इसलिए आपको ये पेड़ भी घर पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो पौधे जो आपको घर पर नहीं लगाने चाहिए। साथ ही हमने आपको बताया कि कौन से पौधे घर में लगाना आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, और जो भी पेड़ पौधे मैंने आपको बताए हैं कि आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, अगर ये पेड़ पौधे आपके घर में हैं तो इन्हें उखाड़ करके आप कहीं और लगा दीजिए। ऐसे पौधों को आप घर से कहीं पर भी दूर लगा सकते हैं या किसी धर्म स्थल पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को काटने का या नष्ट करने का हक हम इंसानों को नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।